Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmad Qureshi, from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that this is a platform from where you get your subject free of cost PPT, free of cost lectures, free of cost quizzes, and free of cost past paper solution. And from this channel, you can get each and everything from your class. Like if you are a student of pre-engineering, you want a physics, then you should go for a physics instructor lectures. And if you want to go, you want to be a chemistry lecturer, you should go to a lectures of a chemistry instructor. We have all the lecturers available on our channel. So you should go for a subscription button. Without wasting our time, definitely I am moved to our lecture, which is exercise 3.6 theory. Here I am sharing a screen, dear students. जी तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि हम 3.6 चैप्टर नंबर 3 है वेक्टर्स, इसकी एक्सरसाइज को जो है वो इसकी जो थ्योरी है उसको हम करेंगे, और 3.6 की फिर आप एक्सरसाइज डेफिनेटली देख सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह जब मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब वो करवाऊंगा आप लोगों को। और 3.6 के अंदर वही कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे एक्सरसाइज 3.6 के अंदर। इसमें वही कॉन्सेप्ट्स को जो है मैं इजी करके आपको बताऊंगा, इवन दो वो बहुत ही मुश्किल होगा अगर आप थ्योरी को ना समझें और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना जाएं और क्वेश्चन डिफरेंट आ जाए एग्जाम्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज, मीन्स के एक्सरसाइज से हट के कोई क्वेश्चन आ जाए और आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस की भी हो और क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ जाए, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर नहीं होगा तो फिर आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इस वजह से थ्योरी की इम्पोर्टेंस जो है या कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। देखते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है। ऑलराइट, हमने पहले जो है वो पैरेललो पाइट जो है वो ये देखना है कि ये क्या होता है। राइट, तो पैरेललो पाइट जो है वो आपको मालूम है थ्री डायमेंशनल जो है ये होता है, दैट्स लुक जस्ट लाइक अ बॉक्स। तो थ्री डायमेंशनल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि सर आप तो थ्री डायमेंशनल कह रहे हैं और फिर बॉक्स भी कह रहे हैं, बॉक्स तो जो है वो क्या होता है, वो तो चकोर होता है जिसके चार कोने होते हैं इन सिंपल। तो जस्ट लाइक अ बॉक्स, वेयर ऑल फेसेस आर पैरेललोग्राम। बट हमने जो है उसी के अंदर रहते हुए जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके अंदर जो है वो ग्राफिकली जो है वो हमने उसको प्रूव करना है, थ्री डायमेंशंस पे काम करना है, फोर जो है कॉर्नर्स के ऊपर, इन सिंपल ये है। लाइक पैरेललोग्राम इज अ थ्री डायमेंशनल, तो थ्री डायमेंशनल होगा बट किसी के ऊपर वो बेस कर रहा होगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि एक कोन है, तो कोन डेफिनेटली जो है एक सरफेस के ऊपर बेस कर रही होगी, और लेट्स सपोज ये पेन है, अब इसको मैंने अगर स्टैंड करना है तो डेफिनेटली इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो आपको सरफेस चाहिए जिसके ऊपर इसको जो है वो इस बैलेंस के साथ खड़ा किया जा सके। तो इसी तरीके से पैरेललोग्राम इज अ थ्री डायमेंशनल बट जस्ट लाइक अ बॉक्स, वेयर ऑल फेसेस आर पैरेललोग्राम, सिक्स फेसेस, ऑल ऑफ सिक्स फेसेस से मुराद ये है कि उसको छह जगहों से आप देख सकते हैं बॉक्स को। देखें, अगर आप लेफ्ट राइट देखें, अप डाउन देखें, और उसके अलावा जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह सारी पोजीशंस में देखेंगे तो सिक्स पोजीशंस जो है वो आपके पास आएंगी, और वो मैं आपको डायग्राम्स के साथ भी शो करवा दूंगा। उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक डायग्राम्स आपके लिए चूज की हैं जिसमें जो है वो आप देख के इजीली उसको कैप्चर कर सकते हैं अपने माइंड में, और एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं फर्दर इसमें क्या कहा जा रहा है। एंड ऑपोजिट फेसेस are parallel and concurrent to each other. The parallelopiped is named after the shape of its six parallelogram faces, which are connected at 90 degree angle. 90 degree का angle तो आपको मालूम होगा, और जो नए हैं mathematics को सीख रहे हैं तो definitely मैं उनको समझा देता हूँ। 90 degree का angle कुछ इस तरह होता है, मैंने जो अभी draw किया है, means के बिल्कुल straight एक wall है और उसकी बेस जो है उसके साथ जो है वो जो एंगल बनता है कॉर्नर पर 90 डिग्री का होता है। राइट,
90 डिग्री एंगल्स आप देखें, अगर मैं बॉक्स की बात करूं, लेट्स सपोज जैसे बॉक्स मैंने शुरू में बताया एग्जांपल के तौर पे, ये देखिए मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ पे आप जिस भी साइड से देखेंगे यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विद विड्थ एंड हाइट। इन तीनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और वी कैन फाइंड आउट बट पैरेललोपाइड। तो इसी तरीके से होगा ये, अगर क्वेश्चंस भी 3.6 में आएंगे तो वो भी आपने तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा, बट ये है कि इसमें आईजे के वाली फॉर्म हो सकती है, बिकॉज हम जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस अभी कर रहे हैं 3.5 और 6 में, तो डेफिनेटली ये है कि आईजे के फॉर्म जिसमें डिटर्मिनेंट्स होंगे, आई को अलग करेंगे हम इवन और के मेथड के थ्रू और फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब मजीद देख लेते हैं इसमें क्या होगा। द सर्फेस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी फाउंड बाय एडिंग अप द एरियाज ऑफ इट्स 6 पैरेललोग्राम फेसेस। सर्फेस एरिया की बात कर रहा है कि सर्फेस एरिया अगर स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी फाउंड बाय एडिंग अप द एरिया ऑफ 6 पैरेललोग्राम फेसेस। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स इंक्लूड, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, एक तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो सकता है। प्रिज्म जो है वो, अगर आप डेफिनेटली फिजिक्स जानते हैं तो उसमें प्रिज्म्स आपको मालूम है। प्रिज्म में जो है वो इस शेप में होता है कुछ, ये देखिए मैं आपको भी एक शेप बना के दे देता हूँ, इसमें भी जो है वो आप प्रिज्म का इफेक्ट देख सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए अभी जस्ट पेन से बता दिया, लेकिन ये है कि इसकी मैं एक स्पेसिफिक डायग्राम भी आपको शो कराऊंगा इसी लेक्चर के अंदर, ताकि मोर क्लियर हो जाए आपको ये चीज। अच्छा, क्यूब्स जो होते हैं वो इसकी एग्जाम्पल है, और क्यूबाइड्स जो हैं ये इसकी जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये तीन एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए पिक की। अगर एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज पैरेललोग्राम, तो जस्ट आपने ये थ्योरेटिकल चीज लिखनी है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, फिर एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये तीनों चीजें दे देनी है। और मैंने यहाँ पे पेंसिल डायग्राम ड्रॉ की है, आप ये भी इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं समझाने के लिए। अदरवाइज जो एग्जाम कुछ डायग्राम्स मैं ऐसे आपको भी शो करवाऊंगा कि जो तो जो समझाने के लिए हैं, जो कि आप अपने माइंड में कैप्चर करेंगे और बहुत आसानी के साथ जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ डायग्राम्स मैं ऐसे आपको शो करवाऊंगा जिसके अंदर जस्ट आप उसका स्केच देख सकते हैं और एज इट इज जो है वो यू आर कैपेबल टू डू इन अ पेपर, मतलब कि उसको आप बना सकते हैं पेपर के ऊपर इजिली। राइट डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, उसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज है। देखिए डायग्राम्स और ग्राफिकली पैरेललोग्राम, ये देखिए मैंने फर्स्ट स्लाइड में डाला था। अगर मैं आपको शुरू में बताता कि ये पैरेललोग्राम है तो इसको समझना मुश्किल होता। अब देखिए मैंने पैरेललोग्राम आपको पहले एक्सप्लेन किया, अब आते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए क्या है फर्स्ट स्लाइड में, अब आप खुद से देखें इसको, मैं कुछ सेकंड्स आपको दे देता हूँ, लेट्स सपोज 5 सेकंड आप इसको देखें। आपने देखा डेफिनेटली, अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा इस बारे में तो डेफिनेटली जो आपके माइंड में आ रहा होगा वही होगा। देखें मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम है, उसको प्रिज्म मैंने आपको एग्जांपल दी और उसको क्या करना है वो 3 डायमेंशन के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पे आपको 3 डायमेंशन नजर आ रहा है, कहीं आपने डेफिनेटली देख लिया होगा जब मैंने आपको कुछ सेकंड्स दिए थे उसमें, बिल्कुल ऐसा बना हुआ। देखिए मैं सर्कल करता हूँ जहाँ पे एच हाइट दिखा रहा है, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे सर्कल किया, राइट। ये देखिए एक ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है जिसमें 3 साइडेड्स हैं, और इस साइड पे जब आप देखें ये पूरा जो बॉक्स है इसमें 6 साइडेड भी हैं, आप 6 तरफ से देख सकते हैं जिस तरीके से डेफिनेशन के अंदर जो है वो बताया गया है। अब इसमें इसी तरीके से वो आपने एंगल ले लेना जो भी एंगल इसमें है यहाँ पे, और फिर पॉइंट्स आपने दे देने ड्रॉ करने, जैसे यहाँ पे दिए मैं लाइक ए पॉइंट ये रहा आपके पास डियर स्टूडेंट्स, सी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, और बी और सी ये रहा, बी और सी पॉइंट ये रहा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और इसमें हाइट एच है, मैंने आपको कहा था लेंथ विड्थ और हाइट की मल्टीप्लिकेशन होती है, हाइट आपके सामने आ रही है, विड्थ है और लेंथ है, राइट। इन चीजों को जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और फिर आईजे के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तीनों वैल्यूज आपको दी होंगी और कहा जाएगा कि पैरेललोग्राम जो है इनका फाइंड आउट करें, राइट। एग्जाम्स में आपको मुख्तलिफ डायग्राम्स दी जा सकती हैं एमसीक्यूज में कि ये क्या है, पैरेललोग्राइड है, ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, तो आपको फिर बताना है ये। या लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये डायग्राम दे दी जाएगी आपको, आपको कहा जाएगा कि ग्राफिकली
जो है इसको प्रूफ करके दिखाएं या विदाउट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल प्रूफ करके दिखाएं, मीन्स के कोई भी वैल्यू जो है वो आप पिक कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो है वो फिर आप डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी डिजिट्स ले लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कॉन्सेप्ट पिक करना जरूरी है एग्जाम में। आपको अगर कहा जाए कि कोई भी एग्जाम्पल ले ले तो फिर आप क्या वैल्यूज पिकअप करेंगे, फिर आप थॉट करेंगे कि क्या क्वेश्चन था जो कि एक्सरसाइज 3.6 का था वो मैं याद करूं और फिर मैं लिखूं, तो फिर वो डिफिकल्ट होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, तो आप इजीली जो है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो डायग्राम है ये ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बना भी सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की ड्राइंग अच्छी है तो वो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए मैंने इस तरह की डायग्राम पिक करके दी है जो कि पेन से आप पेपर पे इजीली बना सकें। राइट, समझने के एस्पेक्ट से भी है ये और इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं एज इट इज बिल्कुल। अब देखिए एक और इजी डायग्राम मैंने आपको दी है जो कि आप इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। और अच्छा इसमें डियर स्टूडेंट्स मैंने टॉर्क की एक एग्जांपल दी है, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म आर और इनटू एफ फोर्स होती है। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि टॉर्क जो है वो फाइंड आउट करें, आर और एफ की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, आर जो है मूवमेंट आर्म आर्म होता है और एफ जो है वो फोर्स होती है, इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाना है, आई जे के फॉर्म के अंदर डिटर्मिनेंट्स बना लेंगे, आई जे के ऊपर लिखेंगे और जो है आर की वैल्यू लिखेंगे और एफ की वैल्यू नीचे लिखेंगे। लाइक आई के साथ एक वर्ड दिया होगा, लाइक टू दिया हुआ है, जे के साथ थ्री दिया हुआ है तो थ्री लिख देंगे, के साथ फोर लिखा हुआ तो फोर लिख देंगे। इसी तरह नीचे भी इसी तरह करेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर 1 2 3 वैल्यू है तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे इवन और ऑड मेथड के थ्रू। मीन्स के आई को बाहर किया, उसकी रो और उसका जो कॉलम है उसको डिलीट करेंगे, बाकी जो डिजिट्स बचेंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, इस तरह सो ऑन आप करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं 3.5 में आपको करवा चुका हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से आएंगे, बट इसमें थोड़ी सी जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगी। इसमें आप जो है वो फिजिक्स की सेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे इसके अंदर, लाइक जैसे टॉर्क का फॉर्मूला आया हुआ है या वर्क का फॉर्मूला आया हुआ है, कुछ स्केलर क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटीज इस तरह जो है वो आपको दे दी जाएंगी। उसमें वैल्यूज जो है वो फिर आप पुट अप करके डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था मैथमेटिक्स का, विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो उस तरह से आपने फॉर्म बना के फिर इसको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आएंगे, तो ये डायग्राम्स आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन जो है ये आपने गो थ्रू करनी है, इसको अच्छे से जो है वो आपने मेमोराइज करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं उसमें हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स। देखिए टेट्राहेड्रॉन जो है नेक्स्ट है। अब देखिए उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पैरेललोग्राम समझाया था, अब इसी तरीके से मैं टेट्राहेड्रॉन समझाता हूँ। देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिंपली एक चीज शो करवाई है, एक सिंपल एक डायग्राम आपके पास आ रही है। राइट, अभी आपको ना बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर रही होगी कि ये डायग्राम किस तरीके से बनेगी, बिकॉज देखिए आप ये जॉइंट जो इसका ओरिजिन जहाँ मिल रहा है वो बिल्कुल बैक साइड पे जा रहा है। राइट, समहाउ के एक उसमें जा रहा है, स्पेस में जा रहा है। राइट, एक थर्ड इसकी डायमेंशंस आपको नजर आ रही है। राइट, थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि पैरेललोग्राम और टेट्राहेड्रन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए मूव करते हैं थ्योरी की तरफ, थ्योरी को देखते हैं, फिर मैंने आपके लिए कुछ डायग्राम्स निकाली हुई है, फिर उनको जो है वो ग्राफिकली मैं आपको बताऊंगा। देखिए लिखा हुआ है टेट्राहेड्रन इज अ थ्री डायमेंशनल पॉलीहेड्रन विद फोर फेसेस, फेसेस फोर है, थ्री डायमेंशन है, वही डायमेंशनल है चीज, जैसे पहले हमने पैरेललोग्राम में देखा था, थ्री डायमेंशनल पॉलीहेड्रन विद फोर फेसेस ईच ऑफ विच इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल है। देखिए इसमें जो मैंने डायग्राम आपको शो कराई ट्राइंगल फॉर्म है, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइंगुलर पैरामिड, पैरामिड आपको मालूम है तो उसी शेप का ये बना हुआ है। रेगुलर टेट्राहेड्रन हैज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड एज इट्स फेस एंड इट इज वन ऑफ द पैलाटोनिक सॉलिड्स। अच्छा अब देखें ये वर्डिंग आपको समझ आएगी इस डायग्राम में, ये देखें आप इसकी साइड्स देखें, मैं इसको आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ पेन से, ये देखें ये एक साइड है, एक साइड इसकी बात कर रहे हैं, किसकी साइड की बात कर रहे हैं, थ्री डायमेंशन हो गई आपके पास। राइट डियर स्टूडेंट्स, अच्छा टेट्राहेड्रन इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द कन्वेक्स
पॉलीहेड्रा एंड हैज अ वेरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एंड हैज फोर वर्टिसेस विच आर पॉइंट्स वेयर द फेसेस मीट्स एंड सिक्स एजेस विच आर द लाइन सेगमेंट्स दैट कनेक्ट द वर्टिसेस. वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस ट्राइंगल एंड इट्स हाइट विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस From the base to opposite vertex, surface area of tetrahedron can be found by adding up area of its four triangular faces. तो इनको ऐड करना है फोर फेसेस को. टेट्राहेड्रा जो है वो आर यूज्ड इन ज्योमेट्री. जो एग्जांपल्स मैंने आपको जिस तरीके से पहले लोपाइड में दी थी, तो इसमें कॉमन एग्जांपल्स जो है वो ज्योमेट्री, क्रिस्टलोग्राफी एंड इंजीनियरिंग अमंग अदर फील्ड्स. इंजीनियरिंग के अंदर जो है ये ज्यादा चीजें यूज होती हैं. कैड कैम, 3D इफेक्ट्स के अंदर आप डिफरेंट चीजें डायग्राम्स बना रहे होते हैं, या मटेरियल्स पे जब आप काम करते हैं, किसी मटेरियल को स्ट्रक्चर देना है आपने, तो वहां पे है जैसे नट और बोल्ट का आप स्ट्रक्चर देखें, उसमें आपको कुछ मैथमेटिकली शेप्स नजर आ रही होंगी, या स्क्रू गेज, या आप स्क्रू ड्राइवर देखें, इस तरह की चीजें होंगी, वर्नियर कैलिपर होंगी, इस तरह की कुछ चीजें आपके पास होती हैं इंजीनियरिंग के अंदर आप यूज करते हैं. तो ये वहां पे जो है कॉन्सेप्ट तमाम के तमाम जो है वहां पे यूज होते हैं. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो है मैं इसको आपको डायग्राम्स के थ्रू समझा दे रहा हूँ. देखिए आपके पास है एपेक्स, एज, फेस और बेस. अब आप देखें ये थ्री साइड से आपको जो है वो नजर आ रहा है, थ्री डायमेंशनल है ये चीजें. राइट, देखिए इसमें ज्योमेट्री भी है, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको कहा गया है कि टेट्राहेड्रन डायग्राम्स एंड ग्राफिकली. तो इसमें मैंने आपको क्या एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स दिए हैं, टेट्राहेड्रा आर यूज्ड इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि मटेरियल्स जब हमने बनाना है इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी मटेरियल वो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे पहले हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वर्किंग करते हैं ज्योमेट्रिकली, उसके ऊपर जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग करते हैं, और फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर जो है वो हम सॉलिड फॉर्म में दे देते हैं. देखिए मैंने शुरू के अंदर जब बताया था तो मैंने एक एग्जाम्पल दी थी पहला टॉनिक सॉलिड की, तो वो यहाँ इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो यूज होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, पहला टॉनिक सॉलिड्स. तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो ये इंडस्ट्रियल यूजेज इसका ज्यादा है, और इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. एक्सरसाइज 3.6 की मैं बात कह रहा हूँ, इसमें फार्मूलाज भी डिफरेंट यूज होंगे, जैसे कि वर्क का फार्मूला है एफ डॉट डी, इसी तरीके से एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला यूज हो सकता है, और उसके अलावा जो है एफ मैंने आपको टॉर्क का एक फार्मूला बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू आर एम. इस तरह के फार्मूलाज आपकी एक्सरसाइज 3.6 में यूज होंगे, और वहां से जो है आप इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं. ये कुछ डायग्राम्स मैंने और आपको शो करवाई हैं, आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से भी आ सकती है एग्जाम में, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो है टेट्राहेड्रॉन है, उसके ऊपर जो है वो काम हुआ है. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ में जो है इसका इस्तेमाल बहुत है. लाइक मैट लैब सॉफ्टवेयर है वहाँ पर इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. तो ये आपने ये कॉन्सेप्ट इस वजह से भी पिक करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है. फिर ये आपको आप क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या इसी फील्ड में आगे कोई ना कोई डिग्री करेंगे, तो डेफिनेटली ये यूजेज हर जगह ही आपका रहेगा. ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से लेना है. अब इस डायग्राम की बात करते हैं, टेट्राहेड्रन डायग्राम और ग्राफिकली में देखें बेस क्या है. बेस हमने इसको लेना है, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होंगे, ये जो डॉटेड लाइन है इसको आपने बेस लेना है स्टूडेंट्स, इसको इसको जो है आपने बेस लेना है. राइट, दिस वन इज अ बेस. अब देखें डायग्राम आपको दे दी, ये लाइन तो बाद में ड्रा हुई है, अगर मैं इसको रफली बना के दिखाऊं आपको. राइट ये स्टूडेंट्स, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दिस वन, इसको मैंने ऐसे किया और ये दिस वन ऐसे. अब वो डॉटेड लाइन जो बेस को रिप्रेजेंट कर रही है इस डायग्राम के अंदर, और ये अगर आपको डियर स्टूडेंट्स नहीं दी जाती, तो डेफिनेटली आपसे मैं अगर क्वेश्चन करता हूँ कि इसमें बेस क्या है, ये जो मैंने अभी डायग्राम पेन से बनाई है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा सर ये है जहाँ पे मैंने अभी बेस लिखा है, जो कि इनकरेक्ट है. राइट, इन जनरल इनकरेक्ट है इन द सेंस ऑफ टेट्राहेड्रन. वैसे तो डेफिनेटली एक ट्राइंगुलर शेप में कोई चीज पड़ी है तो बेस यही बनती है, बट राइट नाउ वी आर इन अ टेट्राहेड्रन, सो ये ग्राफिकली गलत है, बेस ये नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स, बेस जो है वो ये होगी, ये दिस वन. अब जो मैं बना रहा हूँ ये डॉटेड लाइन, दिस वन, दिस वन.
दिस डॉटेड लाइन इज नोन एज बेस। तो इसको आपने जो है वो बेस कंसीडर करना है डियर स्टूडेंट्स, राइट। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जरूर है, बट इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत वास्ट हैं। अगर आपने इसको पिक किया और इसमें मजीद इसको अच्छे से स्टडी किया तो आप जो है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको बताई, डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स के अंदर ये यूज होता है। टेट्राहीड्रन डायग्राम ग्राफिकली में देखिए, थर्ड वन जो इन द एंड डायग्राम शो हो रही है, जो कि सिंपल डायग्राम है, ये मैंने इसलिए आपको दी है कि आप एज इट इज जो है वो डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम के अंदर, और ये बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएं तो वेल एंड गुड होगा। देखें बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। देखें ह्यूमन मेड हो सकती है डायग्राम, है तो कंप्यूटराइज डेफिनेटली। अब देखें मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसको देख के आप इजिली बना सकते हैं एग्जाम में। देखें एज इट इज मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, तो ये पॉसिबल है। अब मैं तो इलेक्ट्रॉनिक पेन से बना रहा हूँ, आपके पास जो है वो और अच्छा जो है वो बेस होगा पेपर के ऊपर, जब आप लिखेंगे पेन के थ्रू तो वो और अच्छे तरीके से जो है वो ये ड्रॉ होगी। तो आपने जो है इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है, कोई इसमें डिफिकल्ट डियर स्टूडेंट्स चीज नहीं है। होप्स हो के आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि मेजर कॉन्सेप्ट है 3.6 के अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एनी हाउ कोई और फर्दर कंफ्यूजन है या आप मजीद इसमें एडवांस लेवल पे जाके चीज समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड कॉन्टेक्ट टू विद अस इन व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, जो कि वी ट्यूशंस का ऑफिशियल ग्रुप है। वहां पे आके आप बात कर सकते हैं और आप ये लेक्चर जो है अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज में प्लीज शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।